दोस्तों, टिकटॉक भैया एक बार वापस से एफटीसी के रडार में आ गया भैया यूएस में, बिकॉज कुछ प्राइवेसी इश्यूज के ऊपर दोस्तों बात चल रही है टिकटॉक ऐप के ऊपर, और ऐसे में ये पहली बार नहीं है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोग तो जानते होंगे जब यूट्यूब पे चल रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो गाइस यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो केरी मिनाटी का जो वीडियो डिलीट हो चुका है, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया वो वीडियो को। वो लोग अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन में जाके देख लीजिएगा। और ये गाइस, ये जब वीडियो डिलीट हुआ है ना गाइस, तो उसके बाद यूट्यूब पर आग लग गया है, और यूट्यूब पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप लोग शायद नहीं मालूम होगा। तो इस वीडियो का अगर आप लोग टिकटॉक से रिलेटेड हो या टिकटॉक के यूजर हो, यूट्यूब के यूजर हो, पूरा का पूरा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही कुछ देखने को मिल जाएगा, सीखने को भी मिल जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग जैसे ही जानते हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जैसे जंग छेड़ चुका है यूट्यूब पर, और गैस यहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं यूट्यूब टिकटॉक के खिलाफ पर। और गैस यहाँ पे आप लोग नहीं देखे होंगे कि टेक्निकल गुरुजी का वीडियो, तो मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। और गैस यहाँ पे यूएस में गैस इसके ऊपर बात चल रहा है टिकटॉक के ऊपर में कि टिकटॉक को बैन किया जाएगा। और गैस यहाँ पे ट्विटर पर भी बहुत सारे ट्वीट किया जा रहे हैं कि टिकटॉक को बैन किया जाए। और गैस यहाँ पे बात कर लेते कि इंडिया की, गैस क्या इंडिया में टिकटॉक को बैन किया जाएगा? तो गैस इंडिया में भी गैस इसके ऊपर बात चल रहा है, और ट्विटर में गाइस बहुत सारे बंदे ट्वीट कर रहे हैं इसके ऊपर कि टिकटॉक को बैन किया जाए। और गाइस अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। गाइस पहले आपको टेक्निकल गुरुजी का वीडियो दिखाते हैं। हमारे पास भैया टिकटॉक को लेके, जहां पे दोस्तों टिकटॉक भैया एक बार वापस से एफटीसी के रडार में आ गया भैया यूएस में, बिकॉज कुछ प्राइवेसी इश्यूज के ऊपर दोस्तों बात चल रही है टिकटॉक ऐप के ऊपर, और ऐसे में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार तरह तरह के दोस्तों हुए हैं इसके ऊपर बात, और कभी कभी बीच में बैन कर दिया, कभी दोबारा हटा दिया। इंडिया में दोस्तों को बीच में कभी कभी बैन किया गया, कभी हटाया गया, और इनफैक्ट इंडिया में भी जो ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है वो बैन टिकटॉक का चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। तो अभी पता नहीं खैर क्या होगा फ्यूचर, लेकिन ऐसे में दोस्तों यूएस में तो सीरियसली इस पर बात चल रही है। एफटीसी जो है वो मतलब पूरी बात पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर टिकटॉक का क्या है सीन, के मतलब जो प्राइवेसी इशूज वगैरह दोस्तों देखते हैं तो वो सारी पूरी कहानी है। इंडिया में वैसे क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर टिकटॉक बैन हो जाता है, तो आपके मन की बात क्या है मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तो गाइज आपने टेक्निकल गुरुजी का वीडियो देख लिया। गाइज यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में गाइज इसको पहले भी एक बार बैन किया गया है और फिर भी इसको लाया गया है। तो गाइज इसके ऊपर और ट्वीट चल रहा है, ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं, और यहाँ पे बैन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसके ऊपर बहुत सारे बात चल रहे हैं। लेकिन गाइज मुझे तो जहां तक लग रहा है कि लास्ट में इसको क्या किया जाएगा, टिकटॉक को बैन किया ही जाएगा। कैसे? हाँ, तो गाइज अगर आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखें टेक्निकल गुरुजी का, जो महंगे महंगे फोन को गाइज यहाँ पे टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो शो कराता हूँ। तो चलिए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद बात। तो क्योंकि टेक्निकल गुरुजी क्या किया गया, सभी एप्लीकेशन मतलब जितने भी महंगे महंगे फोन है गाइस, महंगे महंगे फोन से क्या किया है, सभी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है टेक्निकल गुरुजी कि ये टिकटॉक चाइना का है और चाइना ही कोरोना वायरस चाइना से आया है। तो गाइस ऐसे करके क्या हो रहा है कि टिकटॉक को बोल रहा है कि बैन किया जाएगा, टिकटॉक को हटाया जाएगा। इसीलिए टेक्निकल गुरुजी क्या कर रहे हैं कि सभी जितने भी टिकटॉक के ऐप है गाइस, जितने भी महंगे महंगे फोन है, उस सभी महंगे फोन में क्या हुआ, टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया।
तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि YouTube पर गाइस टेक्निकल गुरुजी के 10 मिलियन प्लस उनका सब्सक्राइबर है। और गाइस यहां पे क्या हो रहा है कि इतने सब्सक्राइबर में से अगर सबको अगर TikTok को अनइंस्टॉल करेगा तो आप सोच लीजिए कि TikTok कितना कम हो जाएगा। आप जाके पहले देखिए प्ले स्टोर में जाके कि पहले उनका डाउनलोडिंग कितना था और अभी कितना डाउनलोडिंग हो चुका है। गाइस अभी तक मैंने तो नहीं देखा, आप लोग जाके देख लेना प्ले स्टोर। कुछ फर्क पड़ेगा अगर TikTok बैन हो जाता है तो? आपके मन की बात क्या है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर। यहां पे टेक्निकल गुरुजी साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया में अगर टिकटॉक को अगर बैन किया जाए तो क्या इंडिया में फर्क पड़ेगा? तो गाइस 100% फर्क पड़ेगा। और किनको फर्क पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, टीम 07 मिस्टर फेजू और इनके टीम को सबसे ज्यादा झटका लगेगा अगर ये टिकटॉक अगर इंडिया में बैन होता है तो। जितने भी टिकटॉक यूजर है गाइस उन लोगों को बहुत ही खराब लगेगा। और गाइस यहां पे देख लीजिए अगर यूट्यूब के खिलाफ अगर आप जाओगे, यूट्यूब के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा आप कहोगे तो यहां पे आपका भी हाल है, आपका भी पूरा तमाम कर देगा यूट्यूब वालों ने। मतलब यहां पे इतने यूट्यूबर हैं इतना उसका 1% भी मतलब टिकटॉक यूजर नहीं है जहां पे इतना यहां पे यूजर है यूट्यूब पर। और गाइस ऐसा करके अगर अपना यूजर अगर इतना टिकटॉक अगर अनइंस्टॉल कर देगा, टिकटॉक अगर हटा देगा अपने फोन से तो कितना नहीं उसका डाउनलोडिंग घट जाएगा। मतलब टिकटॉक का जो सीईओ है गाइस वो भी गाली देगा मिस्टर फेसबुक को। तो गाइस आप लोग पूरा दिखा दिया हूं मैं इस वीडियो में। अगर आप लोग टेक्निकल गुरुजी का फैन है या कैरी मिनाटी का फैन है और गाइस अगर ये सब वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और टेक्निकल गुरुजी ने जो कहा था कि ये टिकटॉक को आप लोग अनइंस्टॉल कर दीजिए, किन किन लोगों ने टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो लोग भी बताना कि हाँ मैंने इस टिकटॉक को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया हूं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा आगे तक ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।